नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत और आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस का पहला यूनिट यानी केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ासकर इस सेमेस्टर के जो 5 यूनिट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड, उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है। इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही में रिलेट करेंगे कि और चीज़ें जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं उनसे कैसे रिलेटेड है और क्या ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है, कौन से स्टडीज़ इसमें की जाती हैं, क्या चीज़ें डिटर्मिन की जाती हैं, क्या चीज़ें प्रेडिक्ट की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम केमिकल काइनेटिक्स के इस चैप्टर में देखेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये केमिस्ट्री का जो थर्ड सेमेस्टर कोर्स है उसका अथर्व बैच नाम का एक बैच है जो कि हमने लॉन्च किया है। यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस रहेंगी, लेकिन ये पूरा सिलेबस जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में या जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सिलेबस डिस्कशन का उसमें बताया था कि किस तरह से आप इस ऐप पे जो बैच लॉन्च हुआ है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। यानी वीडियो लेक्चर्स के अलावा वहाँ पे कई और फीचर्स हैं जैसे नोट्स, रिवीजन वीडियोस, क्वेश्चन आंसर सेशन, डाउट सेशंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर डाउनलोड करना है लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप और उसमें से आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का कोर्स परचेज कर लेना है जो आपको मिलेगा। सारे कूपन्स वहाँ पे अप्लाई करेंगे जो भी है और वो आपको मिलेगा 500 रुपीज़ में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे केमिकल केमिस्ट्री में सबसे बेसिक चीज़ होती है केमिकल बॉन्ड या फिर एलिमेंट्स या एटम्स और उन एटम्स के जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मैंने एक सामने एक रिएक्शन ले रखी है जिसमें कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है हैबर प्रोसेस से, जहाँ पे H2 और N2 मिलके क्या दे रहे हैं, हमें अमोनिया दे रहे हैं। अब ये रिएक्शन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है या इस रिएक्शन को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ की है, उनके बारे में एक बार कमेंट कर लेते हैं कि एक रिएक्शन की जो स्टडी है केमिस्ट्री के अंदर वो किन किन एस्पेक्ट्स को छूती है, यानी किन किन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और किस किस तरह से हम उस रिएक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले आते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देखा जाए तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैंने H2 से पहले एक कोएफिशिएंट लगा रखा है 3 और NH3 के पहले एक कोएफिशिएंट लगा रखा है 2। तो यानी कि यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं यानी रिएक्टेंट्स के साइड पे हैं, वही नंबर ऑफ़ एटम्स स्पेसिफिक एटम्स कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट्स के भी साइड में होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन वहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 3 है, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज करने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली हमें क्या मिल जाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन देती है कि 3 मोल H2 के अगर 1 मोल N2 से मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, 2 मोल ऑफ NH3। ये मोल कॉन्सेप्ट है, यही स्टोइकोमेट्री है। कि स्टोइकोमेट्री क्या कहती है कि जो उनके कोएफिशिएंट्स हैं वही बताते हैं कि उनके इंडिविजुअल जो हम रिएक्शन में उनके कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ले रखे हैं उससे हमें प्रोडक्ट का कितना यील्ड मिलेगा या कितना कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट हमें ऑब्टेन होगा। ये तब अज्यूम करते हैं जब ये रिएक्शन 100% प्रोसीड कर रही होती है। हालांकि ज़्यादातर रिएक्शन 100% प्रोसीड नहीं करती हैं और कुछ रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी होती हैं या फिर रिएक्टेंट्स पूरी तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम भी इन्फॉर्मेशन देता है। तो मोल कॉन्सेप्ट हमें इन्फॉर्मेशन देता है इनके अमाउंट्स के बारे में कि कितने अमाउंट्स बनेंगे, कितने अमाउंट्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, साथ ही साथ में किसी को अगर लिमिटिंग रिएजेंट बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ाकर। तो वो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें, मोल कॉन्सेप्ट से, यानी इनके स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन से। ये रिएक्शन जो भी हमने लिखी है ये होगी या नहीं होगी, या इसके ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन हम अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे मिल रहे हैं तब तो हमें पता है कि ये हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के बारे में हमें नहीं पता है, वो नई रिएक्शन है और उसकी फिजिबिलिटी के बारे में कमेंट करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक की कॉन्सेप्ट होता है गिब्स फ्री एनर्जी का, और गिब्स फ्री एनर्जी ही बताता है कि कोई रिएक्शन कैसा होना चाहिए, क्या फिजिबल होना चाहिए या नहीं फिजिबल होना चाहिए। उसे एक थर्मोडायनेमिकल टर्म से हम रिलेट करते हैं, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी ये बताती है कि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने वाली है या नहीं होने वाली है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगी और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे कि ग्रेफाइट से डायमंड का कन्वर्जन एक तरह से थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, हालांकि उस पर हम रेट के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें
कितना टाइम वो लेगा इस पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिकली ये पॉसिबल है कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में बदल जाएगा, लेकिन समय पे अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे कि। तो थर्मोडायनेमिक समय बताता है खासकर डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अगर वो नेगेटिव है तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी यानी स्पॉन्टेनियस होगी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि नॉन फिजिबल। अब स्पॉन्टेनियस वर्ड और इंस्टेंटेनियस वर्ड ये दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं इंग्लिश में वोकेबलरी में, लेकिन केमिस्ट्री में ये दोनों बहुत अलग हैं। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये रिएक्शन फिजिबल है यानी इसके होने की संभावना है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि वो बताता है कि बहुत ही कम समय में ये रिएक्शन हो जाएगी, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब सिर्फ ये होगा कि ये रिएक्शन फिजिबल है, थर्मोडायनेमिकली अलाउड है इसका कन्वर्जन, जो भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वो थर्मोडायनेमिकली अलाउड डायरेक्शन है यानी फिजिबल है उसका चेंज होना, यानी इम्पॉसिबल नहीं है उसको चेंज करना, वो किसी न किसी तरह से किया जा सकता है। हालांकि इंस्टेंटेनियस होगा या फिर वो बहुत लंबा समय लेगा ये हमें नहीं पता है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें इनकी फिजिबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये रिएक्शन 100% प्रोसीड नहीं कर रही है तो हम इसे रिवर्सिबल रिएक्शन मानेंगे, कि जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक दूसरे को कम्पीट करने लगती हैं, तो तब पॉसिबिलिटी होती है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वलाइज कर जाए किसको, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को, और उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि एक सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है एक रिएक्शन, उस पर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्या कॉन्सेंट्रेशंस हैं, और उनको रिलेट करने वाला एक टर्म भी हम डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही हमें बताता है कि किसी रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, यानी कि कितना वो प्रोडक्ट के साइड में शिफ्ट होने वाली है, कितना प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। अगर ये कांस्टेंट जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं और उसे रिलेट कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लगभग ये, तो अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है इसका मतलब कि हमें प्रोडक्ट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, और अगर बहुत कम है 10^-3, -4 इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स बहुत ही कम रिएक्ट कर रहे हैं, और उसमें जो डिनोमिनेटर है जहाँ पे हम रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट जो है अनरिएक्टेड है उस रिएक्शन वेसल में या जो भी हमारा सिस्टम है। तो थर्मोडायनेमिक्स बताएगा फिजिबिलिटी, मोल कॉन्सेंट बताएगा अमाउंट, और केमिकल इक्विलिब्रियम बताएगा एक्सटेंट, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं बता रहा है कि इस रिएक्शन की स्पीड क्या होने वाली है, यानी कितनी तेज़ी से रिएक्शन होगी, कितना समय लेगी ये रिएक्शन, या फिर इस रिएक्शन में ऐसी क्या बदलाव किए जाएं कि ये रिएक्शन और ज़्यादा क्विक हो जाए। क्योंकि कोई भी कॉमर्शियल अगर रिएक्शन है और उसका कॉमर्शियल यूज़ हम करने वाले हैं तो हमें क्या चाहिए, वो इकोनॉमिकल हो यानी रॉ प्रोडक्ट्स अच्छे मिल जाएं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि उसके जो कंडीशंस हैं वो कैसे हम इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करें कि रिएक्शन से हमें मैक्सिमम यील्ड मिल पाए, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे लिए डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हम कैसे हासिल करेंगे इन पैरामीटर्स को बदलते हुए, यानी कौन से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स या कौन से फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनमें चेंज करेंगे या केमिकल पैरामीटर्स जिससे कि हमें मैक्सिमम यील्ड मिले। तो ये स्टडीज़ कैसे किस फील्ड में होती हैं, वो होती है काइनेटिक्स में, यानी काइनेटिक्स बताता है कि किसी रिएक्शन का रेट क्या होने वाला है, और अगर रेट होने वाला है कितनी जल्दी या कितना लेट होने वाला है। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है तो हम काफ़ी हद तक रिएक्शन को गवर्न कर पाएंगे, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन तो हमने पहले देख रखा है कि बाकी जो फील्ड ऑफ केमिस्ट्री है वो देती हैं। तो काइनेटिक्स मेनली रिलेटेड है रिएक्शन रेट पे, एक केमिकल रिएक्शन की रिएक्शन रेट क्या होती है, उसके क्या रिलेशन होते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे या प्रेशर पे या और कैटलिस्ट पे, तो इनका क्या डिपेंडेंसी होता है, कैसे एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन से अलग होती है, कैसे कुछ एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, ये सब चीज़ें हम किस फील्ड में देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। साथ ही साथ किसी रिएक्शन की मैकेनिज़्म वो भी बताता है केमिकल काइनेटिक्स, यानी काफ़ी हद तक हम ये जान पाएंगे कि दो रिएक्टेंट्स अगर आपस में मिल रहे हैं तो उनके बीच में कैसा, दोनों के मिलने से कैसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, और फिर वहाँ से प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। तो हमें एक डायरेक्शन मिलेगा किसके बारे में, इन्फॉर्मेशन मिलेगी केमिकल उनके मैकेनिज्म के बारे में। तो ये कुछ बातें हो गई रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं रिएक्शन रेट के बारे में, जो कि हमारे इस यूनिट का पहला टॉपिक है जिसमें हम समझने वाले हैं कि रिएक्शन रेट क्या है। कॉन्सेप्चुअली से समझेंगे पहले कि रिएक्शन रेट क्या है, किसी भी चीज़ का रेट क्या हो सकता है। रेट होता है किसी एक पैरामीटर का किसी दूसरे पैरामीटर के रिलेटिव या रेस्पेक्ट में चेंज, जैसे स्पीड होती है
जो वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माने टाइम के साथ पोजीशन का क्या चेंज आया है, कितना चेंज आया है, वही तो बता रहा है रेट। तो वैसे ही रिएक्शन में रेट क्या होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना प्रोडक्ट बना है। यानी कोई रिएक्शन शुरू होती है तो उसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, और फिर जब ख़त्म हो जाती है तो सिर्फ वहाँ प्रोडक्ट्स या फिर एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर रहता है। तो प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से उसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट होता है। तो एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज ला रहा है, कितना चेंज हो रहा है, उस चेंज को उस टाइम से अगर हम रिलेट कर दें, उसके रिस्पेक्ट में देखें, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, रेट बोल देंगे। यानी पर यूनिट टाइम कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज। अब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यूज़ क्या करना चाह रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ बींग कंज्यूम्ड और बींग फॉर्म्ड। सो अमाउंट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, यूजुअली जब एक्वस स्टेट में रिएक्शंस होती हैं तो उनके सॉल्यूशंस होते हैं, और किसी सॉल्यूट जो कि उसमें सॉल्यूबल है, कोई ऐसा सॉल्यूट है जो उस एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है, वो क्या बनाता है, वहाँ पे कुछ टर्म्स जिससे हम स्टडी करते हैं वो होते हैं मोलेरिटी या मोलेलिटी, इस तरह के टर्म्स से हम उनको सिग्निफाई उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो उनका अमाउंट अगर जानना है तो सिंपली हम क्या उनके जानने की कोशिश करते हैं, उनकी मोलेरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन जानने की कोशिश करते हैं, और उसी कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करते हुए हम रिलेट करेंगे अपने रिएक्शन रेट को। तो रिएक्शन रेट को समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे अगर एक रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लिया हमने, ए गिव्स बी, यानी सिर्फ एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, यानी हो सकता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यूजुअली ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में बदल जाता है, या फिर किसी और तरीके का चेंज जो कि पॉसिबल है। तो हम बस मान रहे हैं कि एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन स्टार्ट होती है टी इज इक्वल टू जीरो पे, और टी इज इक्वल टू टाइम टी वन पर हमने ऑब्जर्व किया कि इनके कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या हैं। तो T इज इक्वल टू टी वन पे अगर हम देखें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ए वन रहा होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ बी वन रहा होगा, मान लेते हैं। यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन को केमिस्ट्री में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दिखा देते हैं। तो टाइम बराबर जीरो, T इज इक्वल टू जीरो से T इज इक्वल टू टी वन के बीच में दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज आए, कितना चेंज आया उस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, अगर हम यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम ले लें और उसमें उस चेंज को हम देखें, मॉनिटर करें, तो उसी चेंज को हम क्या बोल देंगे, रेट बोल देंगे। यानी कि एक तरह से क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मानी टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन कैसे बदल रहा है। तो अगर देखा जाए कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, तो पहले अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ए था, ये टी इज इक्वल टू जीरो की सिचुएशन थी, और इसका कॉन्सेंट्रेशन था बी, यानी दोनों में चेंज क्या है, डेल्टा ए कॉन्सेंट्रेशन ये कितना आया है, ए से घट के हो गया है ये ए वन, और वहीं डेल्टा बी यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया है, ये पहले था बी लेकिन फाइनली क्या मिला है हमें, बी वन का इसका ये कॉन्सेंट्रेशन मिला है जो कि ज़्यादा होगा, ये यूजुअली जीरो होगा। वैसे हमने इसे भी टर्म दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि शुरू में तो इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो इसे हम एक तरह से क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो पे बी का कॉन्सेंट्रेशन था जीरो, तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली बी वन। तो कुल मिला के दोनों चेंजेस को हमने देख लिया, और टाइम कितना कंज्यूम हो गया वो हमें पता है, टी वन माइनस जीरो इज इक्वल टू, यानी टी वन माइनस जो भी इनिशियल टाइम था तो वो जीरो ही था, तो ये टी वन। तो अब रेट क्या होगी, सिंपली रेट हो जाएगी जो भी चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे पहले केस में चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन माने ये टर्म क्या है, ए का कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए वन का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाई जो भी टाइम कंज्यूम हुआ, ये रेट हो गई रिएक्शन रेट इस रिएक्शन की। और इसे किसके टर्म में हमने लिखा, रिएक्शन रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वन है, यानी कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें से कौन ज़्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो कंज्यूम हो रहे हैं, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उनका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहा है पूरे पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये हमेशा बड़ी वैल्यू होगी और ये हमेशा छोटी वैल्यू होगी। तो अगर ऐसा है
तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी हम रिएक्शन रेट को एक पॉजिटिव रिएक्शन रेट के तौर पे दिखा सकते हैं। वैसे ही अगर प्रोडक्ट के तौर पे देखा जाए प्रोडक्ट्स को, तो ये रिएक्शन रेट हमें कैसे लिखनी पड़ेगी, वहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें क्या, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और वो कितना है हमने पहले ही लिखा है, बी वन डिवाइडेड बाई टी। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कोशिश की कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म पे कैसे, कॉन्सेंट्रेशन के चेंज के टर्म्स में हम कैसे रेट को डिफाइन करते हैं। कुछ और चीज़ें देखते हैं, रिएक्शन रेट को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक रिएक्शन है जिसका यही सिंपल रिएक्शन लेते हैं, ए गिव्स बी, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन के और टाइम के कर्व बनाते हैं। मैंने वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ले लिया है और एक्स एक्सिस पे टाइम ले रखा है। हमें पता है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कुछ रहा होगा, मान लीजिए कि ये रहा होगा यहाँ पे, और ये धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, यानी कि अब ये कहाँ आ रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम हम बढ़ाएंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ घटने वाला है। कुछ समय बाद ये बहुत कम हो सकता है ज़ीरो भी हो जाए, हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि जहाँ कुछ रिएक्शन ये आगे जा रही है, हो सकता है इक्विलिब्रियम भी अटेन कर रहा हो। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियली तो जीरो है, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, जीरो है, और धीरे धीरे ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम इस कर्व में देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, धीरे धीरे घट रहा है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन, दोनों यानी रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कैसे रेट बताएंगे और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कैसे रेट बताएं, वो इस कर्व में देखते हैं। जैसे अगर सिंपली हम देखें रिएक्टेंट को, और एक पीरियड ऑफ टाइम अगर ले लिया जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लीजिए T1 है और ये T2 है। यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ रहा होगा यहाँ पे, और इसका कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा यहाँ पे। इसको हमने मान लिया T1 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन A1 और T2 पे कॉन्सेंट्रेशन ले लिया A2। अब रेट क्या होता है, हमने डिफाइन किया कि जो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाए, वही क्या होगी उसकी रिएक्शन रेट। हालांकि ये रिएक्शन रेट अभी हम डिफाइन करेंगे कि ये एवरेज रिएक्शन रेट है, क्योंकि हम इसे किस एक बड़े पीरियड ऑफ टाइम में डिफाइन कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, और खासकर अब हम ये टर्म यूज़ करेंगे एवरेज रिएक्शन रेट, ये हो जाएगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी टी टू पे जो कॉन्सेंट्रेशन है माइनस जो टी वन पे कॉन्सेंट्रेशन है, तो टी टू पे कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है, ए टू। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस T1 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है जो कि A1, और डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये आ गया रिएक्शन रेट यानी एवरेज रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन। और इसमें अब ध्यान से देखा जाए कि A2 और A2 माइनस A1 जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि A2 छोटा है यहाँ पे है और A1 ऊपर है। तो छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, उसका रिजल्ट माइनस आएगा। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ये तो नेगेटिव है, और जो डिनोमिनेटर है वो टाइम इंटरवल है वो तो पॉजिटिव होना है, क्योंकि T2 जो है हमेशा T1 से बड़ा है। तो नीचे पॉजिटिव है ऊपर निगेटिव है, तो पूरा टर्म जो होगा जो एवरेज रिएक्शन रेट का आया है ये नेगेटिव है। तो यानी जब भी हम रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में रिएक्शन रेट लिखने की कोशिश करते हैं तो जो उसकी वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है। लेकिन रिएक्शन रेट को यूजुअली हम निगेटिव में नहीं देखते हैं, जैसे कि हम फिजिक्स में देखा करते थे, क्योंकि वहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज़ होती थी, वहाँ निगेटिव का कुछ मीनिंग होता था, सिग्निफिकेंस होता था। यहाँ वैसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें रेट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा मतलब है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसके आगे एक माइनस साइन लगा देते हैं, जिससे कि ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव है, क्योंकि A2 छोटा है A1 बड़ा है, इसके कारण ये पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव आ रहा था, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और निगेटिव लगा दिया। तो जब रिएक्टेंट्स के टर्म में रिएक्शन रेट लिखेंगे तो वहाँ पर एक माइनस साइन के साथ लिखेंगे। उसी तरह प्रोडक्ट के साथ देखा जाए तो प्रोडक्ट के साथ भी सेम चीज़ डिफाइन की जा सकती है। T2 और T1 में प्रोडक्ट का भी हम कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। T1 पे ही हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी यहाँ पे, और T2 पे यहाँ पे, इसके भी हम कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। T1 पे कॉन्सेंट्रेशन है B1 और T2 पे कॉन्सेंट्रेशन है B2। यानी एक बार ध्यान दीजिएगा कि T2 पे जो B2 यानी B का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, वो ज़्यादा है। तो इस बार एवरेज रिएक्शन रेट अगर लिखें तो वो आएगी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, जो कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, तो वो क्या है, T2 माइनस T1।
और यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बी टू जो है और जो बी वन है, ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। ये इसलिए क्योंकि बी टू बड़ा है, ऊपर है, और बी वन नीचे है, तो बी टू माइनस बी वन पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, टाइम इंटरवल पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हमें किसी साइन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिएक्शन रेट को एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज रिएक्शन रेट। अब ये एवरेज रिएक्शन रेट हर जगह अलग अलग होगी। अगर हमने यहाँ पे कोई टाइम टी थ्री ले लिया, टाइम टी थ्री, तो टी टू और टी थ्री के बीच में कुछ अलग रिएक्शन रेट होगा, टी वन और टी थ्री के बीच में कुछ अलग होगा। तो ये अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग एवरेज रिएक्शन रेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे पाता है, क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल में एवरेज रिएक्शन रेट्स अलग होती हैं। तो इसको सही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि इन टाइम इंटरवल्स को छोटा करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि इनिशियली कैसा रिएक्शन रेट था और धीरे धीरे जब रिएक्शन आगे बढ़ी तो रिएक्शन रेट कैसे चेंज हुआ। तो ये हमने समझा एवरेज रिएक्शन रेट। एवरेज रिएक्शन रेट का मतलब होता है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशंस का चेंज आया है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और उसको हम दिखा रहे हैं चेंज को, उनके चेंज को एवरेज रिएक्शन रेट के तौर पे। लेकिन जब हमें ज़्यादा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इस टाइम इंटरवल को छोटा करते जाते हैं, जिससे कि हमें कम समय की स्पीड पता चले। जैसे कि अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हो और अगर आपको पता चले कि ये 500 मीटर के एवरेज बता के स्पीड बता रहा है, तो आपने अगर एक्सेलरेट किया तो ये तुरंत क्या आपकी स्पीड नहीं बताएगा कि आप 70 की स्पीड पे हैं, वो पहले 500 मीटर का जो भी एवरेज स्पीड रहेगा वो बताएगा, तो मे बी कि वो 30 के आसपास रहे, तो वो ट्रू पिक्चर नहीं है। आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी उस मोमेंट पे स्पीड क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपका मीटर जो है वो एवरेज स्पीड बता रहा है पिछले 500 मीटर का, तो क्या बता रहा है, कुछ 40 किलोमीटर पर आवर का। हो सकता है पहले आप जाम में रहे होंगे, जीरो स्पीड रही होगी काफ़ी टाइम तक, तो वो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें टाइम इंटरवल को छोटा करना पड़ता है, जो कि स्पीडोमीटर में होता है, जो बाइक्स में और कार्स में लगे रहते हैं, वो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करता है कि कितना चेंज ऑफ डिस्टेंस आया, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में। तो इसलिए वो ज़्यादातर क्या बताता है, एक एवरेज स्पीड ही बताता है लेकिन बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में बताता है, तो उसे हम काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मान सकते हैं कि किसी मोमेंट पे हमारी गाड़ी की क्या स्पीड है वो हमारे स्पीडोमीटर में लगभग लगभग रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि उसमें कुछ डिले होता है लेकिन उस एरर को हम ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसे बहुत ही माइन्यूट टाइम स्केल पे देखा जाए, बहुत ही स्मॉल टाइम स्केल पे देखा जाए, तो ज़रूर उसमें कुछ खामियाँ होंगी। तो अगर हमें खामियां दूर करनी है किसी रेट को डिफाइन करने में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल को छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें टी टू माइनस टी वन को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अमाउंट में लेना पड़ता है। और मैथमेटिक्स के टर्म में जब ऐसा इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट होता है तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी टी से। यानी कि अब रिएक्शन रेट क्या बन जाने वाला है, जैसे कि अगर रिएक्शन रेट को हमने लिख दिया है कोई भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब ये सी पार्टिकुलर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, तो हमने अभी यहाँ पे लिख दिया है कि कोई भी कंपोनेंट हो सकता है वहाँ पे। तो ओवरऑल एवरेज रिएक्शन रेट हमने क्या लिखा है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल। अब इसी को तो हम क्या कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, यानी कि टाइम इंटरवल को हम क्या टेंड करा रहे हैं, जीरो की तरफ टेंड करा रहे हैं, कि ये टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो जाए, जीरो के पास पहुँच जाए, यानी जीरो पॉइंट समथिंग 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 हो जाए, यानी कि एक इंस्टेंट, एक क्षण, एक मोमेंट, एक मोमेंट या एक क्षण को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो से। यानी कि डेल्टा टी इतना छोटा है कि उसे हम एक क्या मान सकते हैं, एक मोमेंट मान सकते हैं, क्षण मान सकते हैं। तो वहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो रहा है, और उसके उस छोटे से टाइम इंटरवल में डेल्टा टी को हम क्या डिनोट कर देते हैं, इसी डेल्टा टी जिसमें कि टाइम टेंड्स टू जीरो होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक स्मॉल टाइम एलिमेंट, जिसे हम डी टी से डिनोट करेंगे। तो अब हमें इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करना है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट टेक्निकली तो हम ये यूज़ करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेल्टा टी को हमने क्या चेंज कर दिया, डी टी में चेंज कर दिया, और जो डेल्टा सी का कॉन्सेंट्रेशन है उसे अब हम किस में चेंज कर देंगे, डी सी में। यानी कि उसमें भी तो बहुत छोटा सा चेंज आया होगा, टाइम इंटरवल को बहुत छोटा ले लेंगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन में बड़े चेंजेस आ रहे थे वो भी तो बहुत छोटे हो जाएंगे, तो वो जो एलिमेंट होगा उसे हम क्या लिखेंगे, डी सी। तो रिएक्शन रेट क्या हो गया, एक तरह से इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट डी सी अपॉन डी टी। यानी कि किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम रेट डिफाइन कर रहे हैं तो सिंपली हमें क्या करना है,
उनका रेट ऑफ चेंज लेना। अब ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है मैथमेटिक्स में, ये हमने देखा था मैथमेटिकल टूल्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर में। उससे अगर रिलेट करने की कोशिश की जाए तो ये किसी कर्व का क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो इसे भी देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को उसी जो अभी कर्व हमने देखा था उसमें कैसे समझा जा सकता है। तो जैसे रिएक्टेंट आपका क्या है, डिक्रीज हो रहा है, और किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम बता रहे हैं उसकी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, तो हमने क्या किया, एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल दिया है जिसे मैं, हालांकि मैं दिखा रहा हूँ एक विड्थ के साथ डी टी, लेकिन ये बहुत छोटा है, ये विड्थ जो है बहुत छोटी है, जिसको हम नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, वो मैथमेटिकली भी बहुत स्मॉल है। लेकिन इसमें हमने क्या देखा कि इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है कुछ डी। मान लीजिए कि ये है ए गिव्स बी, फिर से वही रिएक्शन है, तो हम इस बार मान लेंगे डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट है ए का कॉन्सेंट्रेशन, जो स्मॉल चेंज आया है उसे हमने कैसे डिनोट कर दिया, डी ए से डिनोट कर दिया। और इसका रेट क्या हो जाएगा इस बार, इंस्टेंटेनियस रेट वो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ए का ही तो है और यहाँ पर क्या है, टाइम है, यानी कि वाई और एक्स का ही तो एक तरह से क्या है, एक तरह से दोनों के बीच का रिलेशन है डी वाई बाई डी एक्स। अगर इसे एक्स मान लिया जाए, इसे वाई मान लिया जाए, तो सिंपली ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। जैसे पोजिशन और टाइम का जो कर्व बनता है, उस कर्व का कोई भी मोमेंट पे अगर हम स्लोप लेते हैं या डेरिवेटिव लेते हैं डी एक्स बाई डी टी, वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। ठीक उसी तरह अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व बनाया जाए, तो उस पर किसी भी मोमेंट पे अगर उसका डेरिवेटिव लिया जाए, तो वो क्या होगा हमारे लिए, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट इस मोमेंट पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया है डी ए अपॉन डी टी। अब इसे फिर से नेक्स्ट उसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि एक रिएक्टेंट के लिए ये किस साइन के साथ आएगा और एक प्रोडक्ट के लिए कैसे साइन के साथ आएगा। तो ये चीज़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कर्व बनाया हमने फिर से, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट तो ज़ीरो से इंक्रीज हो रहा था ऐसे, यहाँ पे हमने लिख लिया बी, या फिर सिंपली अगर हम इसे ऐसे मान लें, इसे हम मान लेते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वहाँ पे रिएक्टेंट ले लेंगे। तो प्रोडक्ट का हमने क्या किया, एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में हमने चेंज ऑब्जर्व किया, यानी इस मोमेंट पे हमने क्या कैलकुलेट किया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डी पी, वो जो छोटा सा चेंज आया, और किसके रिस्पेक्ट में देखा, ये जो छोटा सा टाइम यहाँ पे डी टी कंज्यूम हुआ है उसमें देखा। अब इस टर्म पे हम कमेंट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमें पता है कि जो छोटा सा टाइम इंटरवल है उसमें पी का कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ ही रहा है, तो जो भी चेंज आएगा पी टू माइनस पी वन या बहुत छोटा सा जो डी पी है वो भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ओवरऑल जो रिएक्शन रेट आएगी प्रोडक्ट के टर्म में वो क्या आएगी, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव आएगी। तो ये हमने देखा कि जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाले टर्म्स हैं, जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, बहुत ही ये पॉजिटिव है। तो इस कारण से ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव। तो पहला कमेंट ये, दूसरा कमेंट कि ये डेरिवेटिव है, यानी कि वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इस केस में प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और ये तो किसी कर्व का स्लोप बताता है। किसी भी अगर मोमेंट पे अगर उसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस मोमेंट उस पर्टिकुलर उस पॉइंट पे उसका स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और उसका जो भी स्लोप होता है वही तो क्या बताता है, उसका डेरिवेटिव। यानी कि अगर इस मोमेंट पे हम इस टाइम पे अगर हमें बताना है इसका डेरिवेटिव, तो हम क्या सिंपली करेंगे, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब टेंजेंट क्या होता है, जिसको इसको एक ही पोजीशन पर टच करे, एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को सिर्फ एक जगह टच करे। ये हालांकि दिख रही है आगे भी टच करते हुए, लेकिन टेंजेंट क्या करता है, किसी कर्व को सिर्फ एक मोमेंट पे टच करता है। जैसे एक सर्किल का टेंजेंट क्या होता है, एक सर्किल का टेंजेंट अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो सिंपली एक ऐसी लाइन जो सिर्फ यहाँ पे टच करती हो सर्किल को, और उसके अलावा कहीं नहीं टच करती हो, यानी वो इंटरसेक्ट नहीं करती हो, वो सिंपली क्या करती है, टच करके निकल जाती है। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में यहाँ पे अगर हमें निकालना है इस टाइम पे अपना, इस मोमेंट पे अगर हमारा इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कर्व का स्लोप ले सकते हैं, और वही स्लोप क्या बताएगा हमें, डेरिवेटिव बताएगा उसका। और ये डेरिवेटिव ही हमारा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट है। तो देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं। अगर इस एक्स एक्सिस को इधर से एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाए, और ये एंगल अगर थीटा है,
तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? किसी भी लाइन, किसी भी कर्व पे अगर कोई टेंजेंट है या किसी मोमेंट पे उस किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्लोप बताना हो, तो वो सिंपली क्या होता है, उसका टेंजेंट का इंक्लिनेशन, जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन, और उसे हम कैसे दिखाते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा यानी टैन थीटा से, यानी टैन थीटा ही बता रहा है कि इसका इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट क्या है। अगर इसे गौर से देखें तो अगर किसी अलग अलग टाइम पे देखा जाए, जैसे बहुत पहले जब टाइम कम था उस टाइम पे अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें टेंजेंट, तो कुछ इस तरह का आएगा। इसका एंगल मान लीजिए अल्फा। बहुत आगे अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया है, तब हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा, और ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा। इसको हम मान लेते हैं बीटा। ये तीन एंगल्स हमें कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे इनके रेट के बारे में, उस पर एक बार कमेंट करते हैं। ये देखा जाए कि इन तीनों एंगल्स का कंपैरिजन करें तो बीटा से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है अल्फा। अब चूंकि हमें पता है ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हमारे रेट से रिलेटेड है, रेट के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, यानी टैन बीटा, टैन थीटा और टैन अल्फा, ये तीनों ही क्या बताने वाले हैं, इन टेंजेंट, इन जो भी हमने पॉइंट्स लिए हैं, ये पॉइंट्स, पार्टिकुलर पॉइंट्स, वहाँ पर रेट्स का क्या क्या म्यूचुअल वैल्यूज़ हैं। यानी कि टैन बीटा बताएगा कि इस जगह पे, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे या इतने टाइम पे, उस टाइम पे क्या रेट रही होगी। टैन अल्फ़ा बताएगा कि ये पोजीशन, अल्फ़ा कब लिया था हमने, जब यहाँ पे ये पॉइंट लिया था, कि इस पोजीशन पे या इस पॉइंट पे क्या इंस्टेंटेनियस रेट रहेगा। तो ये देखा जाए कि अल्फ़ा सबसे बड़ा है, फिर थीटा है, फिर बीटा है, यानी कि यहाँ पे जो रेट है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा बड़ा है। और टैन का फीचर क्या होता है कि अगर अल्फ़ा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में देखा जाए तो टैन वेरी करता है, कैसे, इंक्रीज़ करता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। यानी कि अगर थीटा बड़ा है और वो 90, थीटा बड़ा है अल्फ़ा से या अल्फ़ा बड़ा है थीटा से, तो टैन अल्फ़ा भी क्या होगा, टैन थीटा से बड़ा होगा। यानी कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन थीटा, दैन इट्स ऑब्वियस दैट टैन अल्फ़ा विल ऑल्सो बी ग्रेटर दैन टैन थीटा। ये कब की कंडीशन है, जब अल्फ़ा और थीटा दोनों ही 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पे अक्सर जो स्लोप्स आएंगे वो ऐसे ही आ रहे हैं। तो ऐसा अगर सिचुएशन बन रहा है तब हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट है और जो यहाँ पे रेट है, उन दोनों में सबसे ज़्यादा रेट कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, उससे कम कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, और उससे भी कम यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है, ये टेंजेंट हालांकि मैंने कर्व थोड़ा कर दिया, ये बिल्कुल स्ट्रेट आता और ये थोड़ा बोर्ड के बाहर जाके मिलता, इसलिए मैंने इसे यहीं पे मिला दिया है। तो टैन बीटा चूंकि बहुत छोटा टर्म होने वाला है तो यहाँ पर रेट भी बहुत कम होने वाली। अब इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। शुरू में तो प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बन रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनके चेंज में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है, लेकिन बाद में कॉन्सेंट्रेशन लगभग कॉन्स्टेंट होती जा रही है, तो ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। तो जो भी रेट होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि चेंज ही नहीं आ रहा, रेट यही तो बता रहा था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन ए यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम। तो टाइम हम उतना ही ले रहे हैं, उतना ही टाइम ले रहे हैं, लेकिन कोई चेंज ही नहीं आ रहा, बहुत कम चेंज आ रहा है, तो रेट भी क्या होगा, डिक्रीज़ करता रहेगा। यानी प्रोडक्ट के लिए जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट कहाँ होगी, सबसे शुरू में होगी और बाद में कम होती जाएगी। इसी का रिवर्स केस क्या होगा, हमारे रिएक्टेंट्स के केस में होगा। यानी रिएक्टेंट्स के केस में क्या होगा, रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस बार डिफाइन करेंगे डी और रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात है कि जो डी आर, जो छोटा सा एलिमेंट है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि छोटे से अगर डी टी टाइम में अगर हम डी आर स्टडी कर रहे हैं तो ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट में कॉन्सेंट्रेशन में कौन ज़्यादा बड़ा है, ये बड़ा है। यानी फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से छोटा है, तो जो भी चेंज आएगा वो आएगा निगेटिव में आएगा। यानी कि क्या होना चाहिए, ओवरऑल पूरा जो टर्म है ऊपर वाला वो निगेटिव आना चाहिए, और पूरे रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए इसके पहले एक निगेटिव साइन जोड़ दिया जाता है। और इसको विजुअलाइज किया जा सकता है कुछ इस तरह से, अगर इस मोमेंट पे स्लोप ड्रॉ किया जाए तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, और टैन थीटा अगर 90 से ऊपर है और 180 से कम है तो उसमें टैन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये स्लोप क्या बता रहा है, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म पे अगर रेट डिफाइन करेंगे तो फिर से वो क्या आ जाएगा, टैन थीटा ही तो आएगा अपना स्लोप, टैन थीटा ही तो क्या होगा, डी आर अपन डी टी। और चूँकि थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव आएगा तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हम कंफर्टेबल होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। तो आज हमने देखा एवरेज रिएक्शन रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट क्या होता है, और किसी कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व में वो कैसे दोनों अलग अलग होते हैं वो हमने देखा। अगले लेक्चर में
कुछ और चीज़ें देखेंगे रेट के बारे में, और फिर रेट की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस कैसे होती है, कौन से इक्वेशंस होते हैं, कैसे ऑर्डर्स अलग अलग होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने देखा उसको अगर एक तरह से समराइज़ करें तो हमने बेसिकली रिएक्शन रेट को डिफ़ाइन करने की कोशिश की कि रिएक्शन रेट कैसे डिफ़ाइन होती है और कैसे हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती है जब हम टाइम इंटरवल को छोटा कर देते हैं, तो जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट मिलती है वो हमें ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और फिर आगे देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या क्या और सीखना है। नमस्ते।